गुड मॉर्निंग क्लास इलेवन टूडे वी डिस्कस अबाउट जिमनोसपम जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोसपम आर देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिम्नोसपम और एनजीओसपम क्या होते हैं एनजीओस्पम में जो आपका सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं इनक्लोज होते हैं विद इन द फ्रूट और जिम्नोस्पम में जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं Naked होते हैं। तो जिम्नोसपम आर द मोस्ट एंशियन सीड बियरिंग प्लांट्स जिम्नोसपम क्या होते हैं एंशियन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जो ट्री होता है जिसको हम सीक्वा बोलते हैं सैम्परवियस वो आपका क्या होता है जिम्नोसपम होता है जीरो फिटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं ज़ीरो फिटिक मीन्स जिसमें प्रेजेंस होती है थिक क्यूटिकल की स्केल लीव्स होते हैं और संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं ज़ीरो फिटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट कहलाती है जो कि डिफ्रेंशिएट होती है रूट स्टेम और लीव्स में एंड दे हैव टैप रूट इनमें टैप रूट होती हैं रूट ऑफ पाइनस शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसमें जो पाइनस साइकस पाइनस जिम्नोसम के एग्जाम्पल्स होते हैं और पाइनस जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है फंगल हाइफी के साथ दैट इज माइकोरेजा और जो कोरलॉयड रूट्स होती हैं साइकस की वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो स्टेम होती है जिम्नोसपम में वो कैसी होती है वोडी और इरेक्ट होती है एंड इट इज़ ब्रांच्ड, ब्रांच्ड आपको पाइनस में देखने को मिलती है और अनब्रांच साइकस में आपको देखने को मिलती है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइकस पाइनस ये आपके क्या हैं जिमनोसपम के एग्जाम्पल्स हैं अब अगर हम वैस्कुलर बंडल्स को देखें तो वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं कंजॉइंट होते हैं कोलेट्रल होते हैं ओपन भी होते हैं और एंडार्ज भी होते हैं और जाइलम जो होता है वो कैसा होता है विदाउट वैसल और फ्लोएम जो होता है वो कैसा होता है विदाउट कंपेनियन सेल्स जिम्नोसपम प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स के स्पोर्स टू टाइप्स के स्पोर्स में एक होते हैं माइक्रोस्पोर और एक होते हैं मेगास्पोर्स और इसको हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहलाती है जिसमें टू टाइप्स के स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स इस्पोर्ट्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं विद इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्ड होते हैं जिसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं और स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं जिनसे कि कोन और स्ट्रोबेलाई फॉर्म होती है पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के ज़रिए होता है और विंड से जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाया जाता है एनिमोफिली ओव्यूल्स नेकेड होते हैं जैसे मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म आर दोज व्हिच हैव नेकेड सीज यानी जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं यानी वो एनक्लोज नहीं होते ओवरी वॉल के अंदर जस्ट लाइक एनजियोस्पम और इसमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं और यूनिटैगमिक होता है बाई टैग में एक आपको जेनेटम में देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट अकर्स बाई फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब जब फॉर्मेशन होती है पॉलिन ट्यूब की तब फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज साइफो साइफोनोगेमी दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज एबसेंट तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जब फॉर्मेशन होती है पॉलिन ट्यूब की और उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइफोनोगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एबसेंट होता है एंडियोस्पम एंडोस्पर्म इज़ फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म आपका कब होता है फॉर्म फर्टिलाइजेशन से पहले और हमेशा कैसा होता है हेप्लॉइड होता है एंड नंबर ऑफ कॉर्टेलिडेंस इन द सीड मे बी टू नंबर ऑफ़ कॉर्टेलिडेंट सीड्स में कितने होते हैं टू इन साइकस और मैनी किस में होते हैं पाइनस में यानी उसमें टू से ले कर तक हो सकते हैं सीड्स कितने होते हैं पाइनस में टू से लेके फोर्टीन तक और साइकस में जो सीड्स होते हैं वो कितने होते हैं टू तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं साइकस पाइनस जिनेटम हियर यू कैन सी द फिगर देखिए ये साइकस है जिसको सेगो पाम भी हम कहते हैं और ये आपका पाइनस है जिसमें आपको ये कॉन्स दिखाई दे रहे हैं ये ठीक है ये कौनस होते हैं ये पाइनस के कौनस हैं और ये साइकस कहलाता है जिसको हम सेगो पाम भी कहते हैं ओके सो दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ जिम्नोसपम नाउ वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिमनोसपम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जिम्नोसपम की कैसे होती है इसमें जो सीड्स होते हैं ना कुछ स्पीसीज़ के वो कैसे होते हैं एडेबल। एडेबल का मतलब क्या होता है कि वो सीड्स खाए जाते हैं तो साइकस और पाइनस आपके वो एग्ज़ाम्पल्स हैं और सीड्स साइकस के करते हैं सेगो जिसको हम एरो रूट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एरो एरो रूट और वुड जो होता है पाइन का फर स्प्रूस और सिरार यूज किया जाता है टिम्बर की तरह पेपर पल्प और रेजिन जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस एंड पाइनस ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह ग्रो किए जाते हैं मतलब इनको आप घरों में भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ठीक है गार्डनिंग में ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं सो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिमनोसपम एक तो आपने देखा कि इसके सीड्स जो होते हैं कुछ स्पीसीज के वो एडेबल होते हैं यानी साइकस और पाइनस के जो सीड्स हैं वो खाए जाते हैं और सीड्स साइकस का यील्ड करता है सेगो जो कि एरो रूट की, की तरह इसको हम रूट भी बोलते हैं ना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एरो रूट और वुड जो होता है पाइन का वो फर स्प्रूस और सिडर उसको हम टिम्बर की तरह यूज करते हैं पेपर पल्प एंड रेजिन एंड जिम्नोसपम लाइक साइकस एंड पाइनस दे कैन बी ग्रोन एज ऑर्नामेंटल plants. नाउ हियर यू कैन सी

उसमें भी इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस पाइनस की लाइफ साइकिल देखिए कैसे होती है ये पाइनस का ट्री है इससे फीमेल कौन बना उसके बाद इसमें मेगा स्पोरेंजियम बनेंगे मेगा स्पोनजियम से क्या बना मेगा स्पोर मदर सेल देन यहाँ मेगा स्पोर बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा मेगास्पोर फिर एम्ब्रियोसेक जहां पे आपके आर्चिगोनियम बनेंगे और जैसे कि दो कोन होते हैं पाइनस ट्री से फीमेल कोन मेल कोन ठीक है तो मेल कोन से क्या बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम फीमेल कोन से क्या बना मेगास्पोरेंजियम देन माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और इधर मेगास्पोरेंजियम से क्या बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल देन अब रिडक्शन डिवीजन होगा यानी मियोसिस जब हुआ तो क्या होगा जो आपका साइकिल है वो उसमें दो फेजेस होंगी स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे इधर मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने मेगास्पोर्स स्पोर्स बने ठीक है आर्चिगोनियम बना देन एग अब यहाँ पे मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स बनेंगे इनका क्या होगा फ्यूजन हुआ दैट इज सिन गैमी फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद oos for formula then embryo and then seed and finally the pinus tree okay so this is the graphic representation of the life cycle of the pinus okay students